सी आर सोनू सिंह लाइक योर बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। सो गाइस, एक अभी अभी राजस्थान से न्यूज आई है, वहां पे पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है बालोतरा। वहां न्यूज भी आई है कि एक चीटर गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को रात को बुलवाकर अपनी फैमिली के साथ उसको यूरिन पिलाकर और उसकी जान ले ली गई। क्यों? अगर सुनिए क्या मतलब हुआ था। तो एक लड़की के गांव में ही एक कुआं का तेल था, मतलब तेल का कुआं था, इट मीन्स। तो वहां पर वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, राइट। तो धीमे धीमे वो लड़की भी उसके मतलब जो कुआं था वहां पर एक बार आती जाती थी, तो दोनों में आपस में धीमे धीमे मातचीत शुरू हो गई और कुछ में बाल लोगों में दोनों में प्यार भी काफी हो गया था। तो वह कई बार लड़के के घर पे भी जाता था और कई बार उनसे मिलता जुलता भी था। लेकिन जब एक बार लड़की वालों के फैमिली वालों से पकड़ लिया कि उसके घर पे पहुंचने के बाद, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उसको एक बार दोबारा जब पढ़ा तो उसको अच्छे से प्यार से समझाया, उसको प्यार से कहा कि बेटे आज के बाद हमारे घर पे कभी मत आना, हमारी बेटी का पीछा करने की करना कोशिश। तो उसको तो प्यार का बहुत सवार था। तो लड़के वाले के फैमिली वालों ने लड़के के फैमिली वालों को बताया समझाया कि देखो ऐसे बात है, हमें यह आपका रिश्ता, हमें यह आपका लड़का अच्छा नहीं लगता, तो आज के बाद इसको आप हमारे घर में भेजना, नहीं हम हमारे लड़के से इससे बातचीत करने देना, ठीक है, राइट। तो फिर भी किसी को मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोग नहीं कह रहे हैं। तो फिर भी वो कई बार लड़की के साथ मिलता था, उसके साथ प्यार मोहब्बत करते थे, लोग दोनों में आपस में बातचीत करते थे दोनों ने। तो जब बात काफी हद पार हो गई तो लड़की वालों के फैमिली वालों ने एक प्लान सोचा कि भाई अब तो मतलब आंसर से पार हो चुका है और हमें कुछ अब करना पड़ेगा। तो ठीक शाम लगभग अराउंड 5-6 बजे लड़की ने फोन किया और उसको कहा कि भैया हमें घर पे आ जाइए क्योंकि घर में सब कोई नहीं है, तो हम आज मिलेंगे और जो आपको करना होगा वो हमारे साथ कर सकते हैं। लड़का तो प्यारा पगल था ही, और अराउंड 70-80 किलोमीटर दूर पर उसके घर था, देखिए। तो वहां से रात को उसके घर पर आ जाता है, और जब वो उनके घर पे आता है मतलब उस समय अंधेरा था तो उसको कोई नहीं दिखा, लेकिन लड़की वाले के जो फैमिली वाले थे वो सभी लोग रेडी थे उसको मारने के लिए, पीटने के लिए कि भाई आज तो हम अपना हाथ साफ कर ही लेंगे इसके ऊपर। तो जब वो आता है वो ठीक घर के अंदर वो जाता ही होगा, उसी समय लगभग उनके घर में 11-12 लोग थे उस समय, तो उन सभी ने अपने हाथों से, अपने पैर से, अपने डंडों से, अपने पाइप से, अपने कुछ तार होंगे उनके घरों में, उन लोगों ने उन सभी सामान का उपयोग करके उसको इतना पिटा कि वो बेहोश हो चुका था। और उसको ये क्या कि टॉर्चर की काफी हद तक वो बेहोश हो चुका था, या क्या कि ये मरने वाला ही था। और लोगों ने उसको अपना कह देते हैं कि यूरिन पिलाया भी, लेकिन जब वो इतना उसको किया गया, उसको इतना मारा गया, तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक उसकी जान में से निकल के बाहर चली गई, मतलब कि उसकी मृत्यु वहीं पारी हो गई। और उनका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया कि भाई हमने आज क्या कर दिया। तो उन्होंने क्या क्या कि सोचा कि अब क्या करें क्या करें। तो उनके पास एक पिकअप था और रात को ही उस बंदे को या कहकर उसके लवर को पिकअप में भर के एक नजदीकी सरकारी अस्पताल था वहां पे उनको छोड़कर भाग गए। तो जब लड़की के जो जो अस्पताल के जो लोग थे उन्होंने पुलिस को खबर दी कि रात को यहाँ पे ऐसा कांड हुआ है, लोग पीट रहे थे बंदे को, तो फिर पुलिस वाले वहां पे आती है, उन्होंने काफी किया छानबीन, लेकिन उनको कोई भी ऐसा ठोस प्रूफ या ठोस सबूत नहीं लगा कि मतलब जैसे कि हम कोई आगे
कार्रवाई कर सके, नहीं खून का नहीं कोई मतलब कोई चिन्ह वगैरह नहीं उनको नहीं मिलता है। लेकिन जब अस्पताल से आती न्यूज की भाई रात को एक बंदे को कुछ लोग लेकर आए थे पिकअप में और छोड़कर भाग गए, तो जब ये बात उनको चलती है पता पुलिस वालों को, तो उस समय उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब तो हम इसका खुलासा करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ठान लिया। और जब उन्होंने अच्छे से किया छानबीन तो खबर चली कि रात को वही लोगों ने ही उसको मार पीटा था, और लड़की ने और उसके जो फैमिली वाले थे उन्होंने, और उस समय उसको इतना मार गया कि उसको डेथ हो गई थी और उसको ही उन्होंने लाके यहाँ पे छोड़ के भाग गए। तो जब वो पुलिस को खबर चली तो उन्होंने छानबीन करने के बाद छह लोगों को और उसकी जो प्रेमिका थी उसको भी पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया है, और काफी अब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो यह स्टोरी से आप क्या सीखें, इस कहानी से क्या सीखें, या इस सच्ची घटना से क्या सीखते हैं तो मुझे जरूर बताना। कि मैं कहूंगा कि इससे आप यह सीख सकते हैं कि कभी भी लड़की और लड़के को दोनों में आपस में प्यार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइम आजकल के टाइम प्यार का है ही नहीं, क्योंकि प्यार के लोग केवल आपकी फैमिली में नहीं पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है, पूरे समाज प्यार के खिलाफ होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में किसी का प्यार सफल नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है, रेयर चांस होता है। तो प्यार ना ही करो तो ही अच्छा है, अगर बाय चांस प्यार कर ही लेते हो, प्यार आपको हो ही जाता है, तो अगर फैमिली वाले की इच्छा है उनकी मतलब उनकी इजाजत है तो ही प्यार करो और प्यार को आगे बढ़ाओ, तो प्यार का वहीं पर ही करके एंड आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो उसके अलावा अगर आप प्यार ना करो तो अच्छा है, और हो सके तो पढ़ो लिखो कामयाब बनो, अपना कोई धंधा वगैरह कोई अपना काम करो, इतना कामयाब बनो कि लड़की वाले खुद आपके घर पे आए और आपका हाथ मतलब मांगे और अपने लड़के का हाथ आपके हाथ में दे, एक अच्छा रहेगा। तो आप पढ़ो लिखो कामयाब बनो, लाइफ में कोई भी छोटा मोटा धंधा करो उससे आगे बढ़ो, और ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल गाइज, बाय।